तो दोस्तों हम लोग देसी स्विमिंग पूल में आ चुके हैं, देख सकते हैं मामा भाई ने दोनों को, और दोनों को मिल के नहा रहे हैं दोस्तों। गांव में कैसे तैरते हैं तालाब में, बहुत गड्ढा है दोस्तों, देख सकते हैं देख सकते हैं कितना बड़ा है, और गड्ढा भी मस्त है दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं विकास सब्जी वाला आप सभी का स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों सुबह का बज रहा है 9, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए अपने गांव के तालाब में। तो चलिए दोस्तों आज आप लोगों को जो अपना गांव भी दिखाता हूं थोड़ा बहुत, और गांव में कितना बड़ा हम लोग का तालाब है वो भी दिखाता हूं। और मेरे भैगना जी आए हैं, भांजे जी, चलिए भांजे श्री। दोस्तों देख सकते हैं हम लोग का इधर जो है कुआँ भी है, कुआँ पानी है कि नहीं देखिए दोस्तों, और कुआँ पानी भी है दोस्तों। नहाइएगा यहाँ कुआँ में? नहीं, तैरना जानते हैं? हाँ। और दोस्तों देख सकते हैं इधर जो पत्ता गोभी लगाया गया है पूरा, और देखिए दोस्तों इधर पोई साग लगाया गया है, और इधर देखिए सिंचाई किया जा रहा है पोई साग को, और देख सकते हैं कितना मस्त हरा भरा है। देखिए उधर महिलाएं सब पानी पटा रहे हैं, और देखिए उधर मेरा चाचा का बेटा बकरी चरा रहा है। चलिए चलते हैं दोस्तों नहाने के लिए तालाब में, और हम लोग बहुत दिन से नहीं गए हैं, बहुत दिन मतलब एक दो साल हो गया होगा दोस्तों नहीं गए हैं तालाब नहाने के लिए। नहाए आप तालाब में यहाँ हमारे घर में कभी? नहीं यहाँ तालाब में नहीं। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग तालाब में नहाएंगे दोस्तों, बहुत गड्ढा है दोस्तों। और देखिए दोस्तों इस तरह से साग लगाया गया है पूरा, आप देख सकते हैं। इधर देखिए पत्ता गोभी भी है दोस्तों, जहाँ तक आपका नजर जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का गाँव है, और उधर जो साइड साइड में दिख रहा है दोस्तों उधर जो है हम लोग का नदी है, और इसमें बहुत सारा बांस है, और इधर भी देख सकते हैं पूरा एकदम खेती किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों हम लोग तालाब पहुंच चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं कितना बड़ा है, और गड्ढा भी मस्त है दोस्तों। आप देख सकते हैं इधर भी खेती किया जाता है, मतलब चारों तरफ खेती किया जाता है, बीच में तालाब है दोस्तों। देख सकते हैं कितना खूबसूरत, कितना बड़ा तालाब है दोस्तों। और थोड़ा सा दिक्कत है, कचरा फेंक देता है सब गांव वाले इसीलिए। और उधर आगे तरफ बकरी भी है, और देखिए हम लोग खसी वहाँ पर पानी पी रहे हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर देखिए पानी पी रहे हैं हम लोग का बकरियाँ। तो दोस्तों हम लोग तालाब के पास में पहुँच चुके हैं, और देखिए इधर हम लोग का बकरी सब चर रहा है दोस्तों, और अभी हम लोग इधर बगल में नहाएंगे। और देखिए पत्थर भी है कपड़ा वपड़ा खींचने के लिए, और देख सकते हैं कितना बड़ा तालाब है दोस्तों। और देखिए वो कोना में बच्चा लोग भी नहाएगा दोस्तों। चलिए फटाफट हम लोग अपना कपड़ा रखते हैं दोस्तों यहाँ पर, जो भी है यहाँ रख देंगे दोस्तों, और आराम से अब नहाना शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जेठ के महीना में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, और गर्मी में तालाब में नहाने का मजा ही कुछ और होता है, बहुत ही आनंद आता है दोस्तों, और एक्सरसाइज भी हम लोग का हो जाता है गाँव देहात के आदमी का। और देखिए दोस्तों हम लोग गाँव में कैसे तैरते हैं तालाब में, देखिए दोस्तों गड्ढा पूरा है, देख सकते हैं इतना, देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों पूरा गड्ढा है दोस्तों, बहुत गड्ढा है दोस्तों। यहाँ पूरा गर्मी में भी नहीं सूखता है दोस्तों ये तालाब का पानी, हम लोग गांव वाला इतना गड्ढा है दोस्तों कि सूखता कभी नहीं है पानी। चलिए दोस्तों तैरते देखते कितना दूर तक जाने सकते हैं। देखिए दोस्तों ये पूरा गड्ढा है, देखिएगा मस्त लग रहा है दोस्तों पूरा। तो दोस्तों हम लोग देसी स्विमिंग पूल में आ चुके हैं, देख सकते हैं मामा भाई ने दोनों को, और दोनों को मिल के नहा रहे हैं दोस्तों। बकरी सब देखिए दोस्तों इधर चर रहे हैं, और देखिए इधर हम लोग का मामा भैगना और मेरा चाचा के बेटा तीनों के हम लोग देखिए नहा रहे हैं मस्त। बहुत गड्ढा है दोस्तों, देख सकते हैं देखिए दोस्तों पूरा ना डूब जाता है पूरा, देखिए पूरा दो आदमी से भी ज्यादा गड्ढा है दोस्तों, क्योंकि पूरा गर्मी में ये तालाब हम लोग का नहीं सूखता है दोस्तों। और मस्त नहा रहे हैं दोस्तों, एक्सरसाइज हो जा रहा है, पूरा गड्ढा है दोस्तों, देखिए डूबेगा दोस्तों यहाँ तक पूरा मेरा गर्दन डूब जाएगा। मस्त एक्सरसाइज हो गया दोस्तों हम लोग का गांव का देसी स्विमिंग पूल में दोस्तों, मजा आ रहा है ना भैया जी?
मामा भेगना सब नहा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब साबुन वून लगाते हैं, साबुन लगाएंगे। और हम लोग का देखिए एकदम मस्त 15-16 साबुन रखा गया है, यही साबुन से भी हम लोग नहाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अब कुछ कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, जब आए हैं देसी स्विमिंग पूल में नहाने के लिए तो उसका मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। चलिए दोस्तों माथा नीचे करेंगे, पैर ऊपर करके चलते हैं। चलिए देखिए कितना दूर तक पहुँच रहे सकते हैं। तो चले दोस्तों हम लोग का लगभग स्नान हो गया है, अपना देसी स्विमिंग पूल में हम लोग नहा चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग जा रहे हैं घर जाएंगे दोस्तों, कपड़ा वपड़ा पहन के। चलिए भाई ना मजा आया ना, हाँ नानी घर के तालाब में नहाने में। चलिए दोस्तों हम लोग नहा चुके हैं, अब घर चल रहे हैं, उठ रहे हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोग नहा चुके हैं और अपना बकरी भी ले जाके घर जा रहे हैं। हम लोग का बकरी देखिए इधर चर रही है, यह धूप बहुत भयानक हो गया है तब घर ले जा रहे हैं। मासी ने पेटवा में ना बच्चा है, तो हम लोग का बड़ी बकरी प्रेग्नेंट है दोस्तों, तो इसलिए हम लोग उसको पेट में नहीं मारते हैं। कब आए हम लोग घर में आएगा, समरा समरी देखते हैं क्या चीज़ आती है। समरे समरी खाली आती है ना, समरा मंग और मंगरा आता है, देखते हैं। दोस्तों हम लोग घर पहुंच चुके हैं दोस्तों, और आप देख सकते हैं हम लोग का बकरी सब जा रहे हैं घर में, और ये हम लोग का गली है। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं तक रखते हैं दोस्तों, और आशा करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों, पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों अगर पसंद आई होगी तो, और अगर आप चैनल पर नए होंगे दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय हर झारखंड दोस्तों।